बर्तन में पानी दे देना तो ला रही हूँ। कितना टाइम लगता है यार पानी लाने में? यार पानी लाएगा अभी तक? यार हाल होती है, तमीज नहीं आएगा तुम्हें? ये सिखा तुम्हारी माँ ने तुम्हें? और तुम्हारी माँ ने तुम्हें ऊंची आवाज बात करना सिखाया? अपना गुस्सा घर के बाहर रख के आया करो। देखो अन्न, तमीज से बात। मैं तमीज से बात करूँ? और तुम जो हर बात में मेरे परिवार वालों को चले जाते हो, आखिर क्या बिगाड़ा है मैंने तुम्हारा? शादी करा दी ना मेरी तुमसे, दिन भर दिमाग खराब करते रहेंगे। पहले बॉस की सुनो, फिर मैडम की सुनो, चिच्चे खराब। वाह 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 वाह, तुम घर का माहौल खराब करोगे, यही करने तो आते हो तुम रोज घर। तो क्या हो, अपने पैसे भी पी रहा हूँ, इसके बाप के पैसे भी थोड़ा पी रहा हूँ। बदतमीज आदमी, अपने बच्चे का भी लिहाज नहीं करता है। चलो गुल्लू, चलो अपने कमरे में पढ़ाई करो बैठ के। निकल भाड़ीगर, इसको भी लेके जा और आ मत जाना दोबारा। मामा मुझे डर लग रहा है, जब देखो बच्चों के सामने लड़ते रहते हैं। चलो हाँ चली जाऊंगी मैं यहाँ से, मुझे भी कोई शौक नहीं तुम्हारे साथ रहने का। पता नहीं कैसे घर में शादी करा दूं, मेरी सुबह शाम तक काम करते रहो, उसके बाद मेरे डायलॉग सुनो। देखिए बहुत हो गया यार, मैं नहीं कर पाऊंगा यार, सच में प्लीज यार यहाँ से कल चल जाना। इतने सालों से रह रहा हूँ मैं इसके साथ और आ तक नहीं जानता ये है कौन। तो मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, तुम क्यों लाए हो मुझे यहाँ? तुम ठीक नहीं हो, याद है तुम्हें उस दिन ऑफिस वाली बात जब तुम माया बन गई थी? गाइस जो ना तालियां बजाओ हमारी कंपनी की स्लोएस्ट एम्प्लॉय प्रिया शर्मा के लिए, बजाओ। परसों का तुमसे हुआ नहीं, कल का भी तुम्हारा पेंडिंग है और आज का तुमसे हो नहीं पाएगा। तुम करती क्या है यहाँ पे? हर 4 दिन में तुम्हें सिक लीव चाहिए। छोड़ दो कंपनी, गेट अ हेल आउट ऑफ माय ऑफिस। नहीं तू ज्वाइन कर लेते हैं कंपनी जब काम धाम से होता नहीं है। अरे रोज रोज का नाटक है। You all get back to work. मैम सब भूल गई तो
दिया। चोट तो नहीं लगी? तुम ठीक हो? खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। ये तुम्हारी बहन है ना, तुमने इसे धक्का क्यों दिया? सॉरी बोलो। सॉरी खुशी, आप कहने चलो। प्रिया, प्रिया। भैया मैं तो डिंपल हूँ। प्रिया जी तुम्हें क्या हो गया? प्रिया मैं तो डिंपल हूँ। चलो रिंगा रिंगा रोज खेलते हैं। रिंगा रोज पॉकेट फुल ऑफ रोज़ेस। हाय शा यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन हद तो तब हो गई जब इसने मेरी जान लेने की कोशिश की। प्रिया? प्रिया कौन? मैं तो मीरा हूँ। मिस्टर अंकित, व्हाई डोंट यू टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ? टेल मी समथिंग अबाउट योर चाइल्डहुड। आई वॉज नेवर रियली गुड इन स्टडीज, पता नहीं पढ़ाई तो कभी खास समझ ही नहीं आई। माई पेरेंट्स They wanted me to be a studious kid, but I was never able to live up to their expectations. For them, I was a complete failure. और घर का माहौल वो तो कभी अच्छा था ही नहीं। A day without a fight was like a luxury for us. My parents used to fight over really trivial issues, and me and my sister always had to suffer. Oh, but I was good in sports. Well, that never mattered to them. My medals were meaningless for my parents. I never got any appreciation from them. Unke liye wo aur unki ladaiyan zyada zaruri thi. My whole school life I kept winning, but for them I was a loser. None of my achievements got any validation. Nothing was ever enough for them. पर इन सब के बीच में माय ओनली विल टू लिव वाज माय सिस्टर गुन्नू। शी वाज अ रे ऑफ होप फॉर मी, कोई ऐसा जो मेरी हर खुशी में खुश होती थी। प्यारी थी वो बहुत, मासूम थी। पर फिर एक दिन I lost her, and my life was never same after that. कितने देर से आप सिर्फ मेरे बारे में पूछे जा रहे हो? Enough about it. आप इसको क्यों नहीं पूछते? इसकी क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है? पता नहीं मेरा दिमाग खराब हो गया है। मिस्टर अंकित, इस रूम में मेरे और आपके सिवा और कोई नहीं। और अंकित की किसी भी कहानी में उसके अलावा और कोई भी नहीं था। माया, डिंपल, मीरा और प्रिया, वो तो सब अंकित के मन का एक वहम था। अंकित वाज डायग्नोस्ड विद स्किज़ोफ्रेनिया, अ डिसऑर्डर विच अफेक्ट्स अ पर्सन्स एबिलिटी टू थिंक, बिहेव और फील प्रॉपरली। It's a combination of hallucinations, delusions,
and extremely disordered thinking and behavior, which impairs daily functioning and can be disabling.